नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बॉडी ट्रांसपेरेंट वाला वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऐसा प्लेन शर्ट पहन के, आपको शर्ट या टी शर्ट हो जो भी हो, आपको ऐसे एक वीडियो स्लो मोशन में शूट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद शूट करने के बाद उसी जगह में से आपको बैकग्राउंड के लिए खाली जगह, उसी जगह का शूट करना होगा। तो दोस्तों ऐसे आपको दो वीडियो शूट कर लेना है। दोस्तों अब एडिटिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपका जो भी हो कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको एडिट करने के लिए डाउनलोड करना होगा काइन मास्टर। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं एडिट। एडिट करने के लिए दोस्तों आपको ओपन करना होगा काइन मास्टर। तो दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको एमपीडी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 9:16 रेशियो लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मीडिया में से आपका जो भी वीडियो हो उसको ले लेना है दोस्तों। तो जल्दी से मैं जो भी मेरा वीडियो है उसको ले लेता हूँ उसको जो। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना होगा आपका वीडियो जहाँ से सही हो उसको वहाँ से काट के बराबर कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हमको ये वीडियो यहीं तक रखना है। कैंची का निशान है दोस्तों, इसको ट्रिम टू राइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ये बराबर हो जाने के बाद इसको टच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करके इसको डुप्लीकेट क्लियर कर देंगे। इसके बाद इसको ऊपर वाले को टच करके इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आ जाने के बाद आपको बैकग्राउंड ले लेना है, कोई सा भी, कोई भी कलर का हो। बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों इसका कलर को हमें चेंज करना होगा। यहाँ से हमें कलर का चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें लेयर को टच करना है। लेयर को टच करके हमको यहाँ से इसको फुल बराबर कर देना है। बराबर कर देने के बाद दोस्तों लेयर को टच करके हमें क्रोमा की इनेबल करना होगा। ठीक है दोस्तों, इनेबल करने के बाद हमें इसको देखिए यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से इसको कर दीजिएगा। मुझे जैसे ये ठीक लग रहा है तो इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ शेयर से हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको वही इम्प्री प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। 9:16 को सेलेक्ट करके हमने जो खाली बैकग्राउंड शूट किया था उस वीडियो को ले लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मेरा खाली बैकग्राउंड था तो इसको रहने देते हैं दोस्तों। इसके बाद लेयर में जाएंगे। लेयर में जाके दोस्तों जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया था वो वाली वीडियो हमें लेनी है। तो ये वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया था दोस्तों, इसको यहाँ से फुल कर देंगे। इसके बाद इसे यहाँ से क्रोमा की इनेबल कर देंगे। इसको दोस्तों यहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, बॉडी इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है दोस्तों। अगर आपका फुल शर्ट रहेगा तो और भी बेटर लगेगा, तो मैं ऐसे ही बना दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करने के लिए कुछ था। तो इसको ध्यान से ओके करके दोस्तों इसको शेयर में जाके एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों ये आपका वीडियो ऐसे बनेगा साउंड के साथ। साउंड आप कैसे लगाते हैं ये मैं सॉरी दोस्तों नहीं बताया, और
आप जानते ही होंगे दोस्तों कैसे लगाया जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, मैं आपको नहीं बता पाया। तो यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही एडिटिंग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।